अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप लोग देख रहे हैं उस्मान एचडी। क्योंकि यूग्रेड की जो एप्लीकेशन हैं वो उसकी लास्ट डेट 28 अप्रैल है और बहुत कम दिन रह गए हैं इसको अप्लाई करने के लिए। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि इसके लिए हमें पासपोर्ट रिक्वायर है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग US जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए पासपोर्ट तो चाहिए होगा हमें, क्योंकि हमें वीज़ा चाहिए। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं उनका ये क्वेश्चन है कि हमें पासपोर्ट अभी होना चाहिए, अगर पासपोर्ट होगा तो ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर पासपोर्ट नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो इस टाइम पे आपको जो है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट की। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास है तो भी अच्छी बात है, आप लोगों के पास है। अगर आप लोगों के पास अभी पासपोर्ट नहीं है तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है इस टाइम पे पासपोर्ट। जब आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, नॉमिनेट हो जाएंगे जब आप लोग, तो उस टाइम आपको रिक्वायर होता है। अभी आप लोग जो है अप्लाई करके उसके बाद बेशक बनवा लें या फिर जब नॉमिनेट हो जाते हैं तब अपने PO को जो है वो मैसेज करके कह सकते हैं कि मैंने जो है वो अप्लाई कर दिया है पासपोर्ट के लिए। और जब मैंने अप्लाई किया था तो तब मेरे पास था, क्योंकि मैंने यूग्रेड के लिए 2 दफ़ा अप्लाई किया था और मैं फर्स्ट टाइम में शॉर्टलिस्ट हुआ था और इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था, एंड देन उसी टाइम मैंने जो है वो अपना पासपोर्ट बनवा लिया था। तो इसलिए मेरा तो था, ठीक है, पासपोर्ट। तो इसलिए जो है बिल्कुल भी, अभी आपने भी देखा होगा कि पासपोर्ट की कोई भी सेक्शन नहीं है, उसमें कोई भी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ एप्लीकेशन में कि आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं है। तो जब आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर पासपोर्ट की जो है वो ज़रूरत होती है। अभी के लिए पासपोर्ट बिल्कुल भी रिक्वायर नहीं है।